खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और भगवा रंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवा रंग बीजेपी इस पर अपना एकाधिकार मानती है, लेकिन अब शायद सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि उभरने लगी है कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब भगवे का जिक्र किया तो अखिलेश यादव भी नक्श कदम पर चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी दे रही है माकूल जवाब भगवे पर हो रही राजनीति। एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। सीएए का विरोध, प्रदर्शनों के रास्ते, हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की शक्ल लेकर जो बेकाबू हुआ, उसके जवाब में गिरफ्तारियों और कुर्कियों की कार्रवाई अभी परवान चढ़ ही रही थी, केसी के बीच अब गहरे चटक भगवा रंग ने भी इसमें एंट्री मार ही दी। भगवा की परिभाषा का हवाला देते प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार योगी के सन्यासी चोले को ही सवालों का रंग दे डाला। कहा, भगवा हिंदू धर्म का चिन्ह है, ये बदले और रंज की बात नहीं करता। लेकिन योगी तो बदले की बात करते हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। अब मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। दरअसल सीए विवाद में हुई हिंसा और फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते माहौल में अब भी तनाव है, और यही तनाव सियासत को सूट भी कर रहा है। ऐसे में सरकार से खफा सेक्शन को कांग्रेस मरहम लगाते हुए भगवा रंग को सही सही परिभाषित कर योगी सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करने की हर सक कोशिश में है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। हां, पर प्रियंका के प्रवचनों पर योगी की सिद्धि कहां कम पड़ने को थी। यहां प्रियंका के प्रवचन जारी थे तो वहीं योगी का योग भी हट ही था। ऑफिशियल ट्वीट के जरिए प्रियंका के ज्ञान में इजाफा करते योगी ने लिखा, सन्यासी के लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो बाधा करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, योगी प्रियंका के आरोपों प्रत्यारोपों के झोंकों के बीच भगवा ऐसा लहराया कि फिर माहौल भगवामयी हुआ हो ना हुआ हो, भगवा हर किसी की जुबान पर जरूर आ गया। क्या सपा, क्या बसपा और क्या भाजपा, सभी मैदान में आ जुटे। गीता में हमने पढ़ाया और उसका उदाहरण कई बार दिया है आपको। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या मुख्यमंत्री जी दूसरों का दुख अपना दुख समझ रहे हैं? जहां तक सवाल देश का है और समाज का है, सदियों से भारत में लोग मिलकर के रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है, और भारत का रंग तिरंगा है झंडे का, ये तिरंगा ही रहेगा, कोई एक रंग में नहीं कर पाएगा, ये भारत देश की जनता जानती है। अब कुल मिलाकर यूपी में हुई हिंसा और उसके बाद हुई कार्रवाई को लेकर भगवा के जरिए नया मोड़ तो पूरे मामले में आ ही गया है। देखना यह है कि अचानक से कांग्रेस को प्रियंका के जरिए भगवा की याद क्यों आई। क्या भगवा को कभी आतंक से जोड़कर खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने की कहावत सच कर चुकी कांग्रेस अब इसी की सही सही परिभाषा पेश कर फिर से मैदान में उतरना चाहती है, या फिर इस परिभाषा के जरिए वाकई सरकार को आईना दिखाना वक्त की दरकार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।